बताऊंगी टिश्यू पेपर के फ्लावर बनाना। इसके लिए हमें लगेगा टिश्यू पेपर, गोल्डन तार, सीजर, ग्रीन कलर का थ्रेड, प्लास्टिक ग्रीन लीव्स, ग्रीन फ्लोरल टेप। सबसे पहले हम दो टिश्यू पेपर लेंगे, दोनों टिश्यू पेपर को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोनों को एक के ऊपर बरोबर रखेंगे और फिर दोबारा इसे हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसको कोना पकड़ेंगे और फिर दोबारा फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम एक बार दोबारा इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह फोल्ड होने के बाद हम इसे सीजर की हेल्प से काट लेंगे इस तरह से। हम इसे इस तरह काटेंगे कि राउंड शेप आ जाए। ये इस तरह हमारा दिखना चाहिए। हम इसे हम ओपन कर लेंगे, दोनों को अलग अलग रखेंगे, दोनों को ओपन कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर इस तरफ से कॉर्नर से पकड़ेंगे और ओपन करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड। ये कॉर्नर से पकड़ कर इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे से इसे हल्का सा इस तरह से फोल्ड कर देंगे। एक फोल्ड हो जाए, सेम स्टेप हम इसमें भी करेंगे। नीचे की साइड से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे। नीचे से फोल्ड करने के बाद दोनों फ्लावर्स लेंगे और ये कुछ इस तरह दिखने लग जाएगा। नीचे से फोल्ड करने के बाद हम इसे दोबारा से पूरा फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसमें थ्रेड से इसे बांध देंगे। थ्रेड से बांधने के बाद हम इसको थ्रेड को तोड़ेंगे नहीं, हमारा गोल्डन तार लेंगे और उसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद इसका जो कॉर्नर है उसे भी फ्लावर से बांध देंगे। इस तरह से बांध देंगे। बांधने के बाद हम थ्रेड को कैंची से काट देंगे। अब तार में हम लीफ को डालेंगे इस तरह से। लीफ डालने के बाद इस तरह से आपका टिश्यू पेपर यहाँ पर दिखेगा। फिर हम फ्लोरल टेप लेंगे, इसको थोड़े टाइट हाथों से चिपकाएंगे। इस तरह से फोल्ड करते करते पूरा नीचे लेकर आएंगे हम। नीचे लाते लाते ये हमारा पूरा तार कवर हो जाएगा। अब हम इस टेप को सीजर की हेल्प से काट देंगे। अब हमारा फ्लावर तैयार हो गया है।